गैलीलियो के बाद स्पीड ऑफ लाइट को निकालने की जिम्मेदारी ली ओले रोमर ने, जिसमें उनकी मदद की जुपिटर के लूनर एक्लिप्स ने। दिन बीते, रात बीती और बीते साल, और इकट्ठा हो गया बेमिसाल ज्ञान। फिर आया सितंबर 1676 का वो दिन जब दुनिया के सारे महान वैज्ञानिक अकेडमी ऑफ साइंस पेरिस में इकट्ठा हुए, जिसमें रोमर ने बताया कि जुपिटर का आने वाला एक्लिप्स 10 मिनट जल्दी होगा। भाई साहब, इस खबर ने मचा दी खलबली, क्योंकि इस तरह की भविष्यवाणी आज से पहले किसी वैज्ञानिक ने नहीं की थी। फिर आई 9 नवंबर की वो रात, जब हुए वैज्ञानिक इकट्ठा और पाया उन्होंने रोमर की भविष्यवाणी को सही। इसके बाद रोमर ने खोले विज्ञान के राज। जब धरती सूर्य का चक्कर लगाकर जुपिटर के सबसे नजदीक पहुंची, तो जुपिटर का ग्रहण दिखाई दिया जल्दी, लेकिन धरती के दूर जाने पर जुपिटर के ग्रहण ने लिया पहले से ज्यादा समय। इसका मतलब दूरी बढ़ जाने के कारण रोशनी को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय भी बढ़ गया। तो दूरी और समय का सही अंदाजा लगाकर रोशनी की रफ्तार को निकाला जा सकता है, और उन्होंने निकाल भी दी, 2,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो असली स्पीड के बहुत करीब थी। अगर आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में यस प्लीज लिखना।